जरा कल्पना कीजिए, 1200 डिग्री सेल्सियस वाला गर्म रक्त तप्त लावा पृथ्वी के बिल्कुल अंदरूनी भाग से निकल रहा है किसी बड़े भयानक ज्वालामुखी विस्फोट में, और आप किसी कारणवश केवल एक सेकंड के लिए उस ज्वालामुखी के लावे के संपर्क में आ जाते हो, तो आपके साथ क्या होगा? केवल एक सेकंड के लिए। 1200 डिग्री सेल्सियस इतना ज्यादा तापमान है कि इसमें लोहा भी पिघल जाए, लेकिन हर ज्वालामुखी इतना गर्म नहीं होता है कि उसका लावा किसी लोहे को पिघला कर रख दे। दरअसल ये डिपेंड करता है ज्वालामुखी से निकलने वाले मटेरियल के ऊपर। ये बात तब संज्ञान में आती है जब 2007 में एक अफ्रीकन माल ढोने वाला व्यक्ति एक ज्वालामुखी के मुख के पास जा गिरा। उससे लावा कुछ ही दूरी पर था। वो अफ्रीकन व्यक्ति ज्वालामुखी के मुख के पास गिरने के बाद भी बच गया, कुछ हल्के स्किन बर्न के साथ। दुनिया ये देखकर हैरान थी, आखिर ये कैसे संभव है? जिसे बाद में अध्ययन करने पर पता चला कि जिस ज्वालामुखी के पास वो गिरा उसका लावा नेट्रो कार्बोनेटेड था, जिसमें सोडियम और पोटेशियम कार्बोनेट जैसे मिनरल्स और नायरेरिडाइट जैसे तत्वों का यूनिक मिश्रण था, जो एयर के साथ कॉन्टेक्ट में आते ही तुरंत ठंडा होने लगता है। लगभग 510 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर बर्न होते होते ये एयर के संपर्क में आते ही ठंडे होने लगते हैं। यही वो कारण रहा जिसके वजह से वो अफ्रीकन व्यक्ति बच सका। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, हर ज्वालामुखी के लावे एक जैसे नहीं होते हैं, और अधिकतम ज्वालामुखी के लावे इतने गर्म होते हैं जो लोहे को भी पिघला कर रख दें। तो अब अगर आप किसी कारणवश इतने गर्म लावे के संपर्क में आ गए केवल एक सेकंड के लिए, तो क्या होगा? चलिए जानते हैं। ज्वालामुखी के लावे से कुछ ऊंचाई पर से ही एयर का तापमान इतना ज्यादा होता है कि इसके पास पहुंचने से पहले ही व्यक्ति बुरी तरीके से जल जाता है। ज्वालामुखी विस्फोट में इतनी जहरीली गैस और राख निकलती है जिसमें सल्फर और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे खतरनाक गैसेस होती हैं। इसलिए व्यक्ति अगर ज्वालामुखी के पास सांस भी लेता है तो जहरीले तत्व मनुष्य के फेफड़े में भर जाते हैं, जो व्यक्ति के फेफड़ों को जला कर रख देते हैं, क्योंकि ये गैसेस बहुत ज्यादा गर्म भी होती हैं, और व्यक्ति ज्वालामुखी के मुख में गिरने से पहले ही मरने के कगार पर आ जाता है। फिर जैसे ही व्यक्ति ज्वालामुखी में गिरता है, उसके कुछ नैनो सेकंड के अंदर ही व्यक्ति जलना शुरू कर देता है, और व्यक्ति एक जलते हुए गोले की तरह लावा के ऊपर गिरने लगता है। इसका कारण यह है कि लावा की रेडिएंट हीट की वजह से ऊपर की एयर इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है कि किसी भी चीज को जलते हुए कॉमेट की तरह बना देती है, और व्यक्ति बहुत ही बुरी तरीके से जलने लगता है। इनफैक्ट व्यक्ति की बाहरी मांसपेशियां जलकर खाक हो जाती हैं। लेकिन अभी इससे ज्यादा खतरनाक स्टेज अभी बाकी है। ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा बेसिकली पिघले हुए पत्थर ही होते हैं, जिसमें मिनरल्स और ठोस मटेरियल पिघले हुए रूप में होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा डेंस होते हैं। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी पानी की डेंसिटी से 3 गुना ज्यादा होती है, और कहीं कहीं तो लावा की डेंसिटी पानी से सैकड़ों गुना ज्यादा भी हो सकती है। अब जब इतने डेंस और कठोर लावा के ऊपर कोई ह्यूमन बॉडी गिरेगा तो उसके बॉडी की कोई ना कोई हड्डी जरूर टूटेगी बहुत ही बुरी तरीके से। और हम लिक्विड लावा की बात कर रहे हैं। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्वालामुखी का लावा कितना डेंस हो सकता है। इसके इतने ज्यादा डेंस होने के कारण ही कोई ह्यूमन बॉडी लावा के अंदर डूब भी नहीं पाता है, और एक ह्यूमन बॉडी लावा के ऊपर ही तैरते हुए बहुत बुरी तरीके से जलकर खाक हो जाता है, और कुछ ही सेकंड्स के अंदर ही बॉडी लावा में डिसॉल्व हो जाता है। अब मान लो अगर किसी कारणवश कोई व्यक्ति ज्वालामुखी के गर्म लावे के मुख के अंदर सरफेस पर ही कहीं गिर जाए, यानी वो लावा में न गिरे बस ज्वालामुखी के रिम पर ही पहुंच जाए, तो भयानक गर्मी के कारण वो स्वयं ही गर्म लावे में कूदकर अपनी जान दे देगा ताकि वो एक भयानक मौत से बच सके। धीरे धीरे जलकर मरने से कहीं ज्यादा अच्छा है कि एक ही बार एक पेन शॉक से ही मर जाए, क्योंकि ज्वालामुखी के रिम के पास भी तापमान इतना ज्यादा होता है कि कोई व्यक्ति वहाँ कुछ सेकंड्स भी नहीं बिता सकता है। आई होप आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, कुछ नई बातें जानने को जरूर मिली हुई होंगी आपको। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के बारे में अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।